ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम लोग ने बचपन में ये पोयम तो पढ़ी है, बट सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है, क्या स्टार सच में ट्विंकल करते हैं? आइए समझते हैं। नाउ इफ आई एम गोइंग टू कंसीडर अवर अर्थ, अर्थ के ऊपर हमारे पास एटमोस्फेरिक लेयर्स है। अभी जब भी स्टार से लाइट आएगा अर्थ की तरफ, तो क्या होगा, लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम वैक्यूम टू अवर एटमोस्फेयर, मतलब लाइट क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा। रिफ्रैक्ट हो गया मतलब लाइट बेंड हो जाएगा। अभी इसके वजह से होता क्या है, जब लाइट बेंड हो गया तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये बेंड रे को जब सीधा सीधा एक्सटेंड करेंगे तो हम लोग को एक न्यू पोजीशन मिलेगा, मतलब हम लोग का आई और हम लोग का ब्रेन ये नया पोजीशन ट्रेस करता है और हम लोग को स्टार थोड़ा बहुत अपने पोजीशन से शिफ्ट दिखता है। दिस इज कॉल्ड एज अपेरेंट शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ स्टार, मतलब एक्चुअल पोजीशन उसके रियल पोजीशन से नीचे है बट हम लोग को वो थोड़ा ऊपर की तरफ नजर आता है। अभी यही एक कंडीशन नहीं है स्टार के ट्विंकल होने का, स्टार के ट्विंकल होने का एक दूसरा रीजन है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, अगर हम लोग अपने एटमॉस्फेयर को जूम करके देखेंगे तो लाइट तो बेंड हो गया, यहाँ पे हमारे एटमॉस्फेयर में अगर हम लोग डेंसिटी देखेंगे, हमारे एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कॉन्स्टेंट नहीं है, ये हर जगह अलग अलग है। जैसे कि जहां पे गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया वहां पे डेंसिटी ज्यादा हो गई, जहां पे गैसेस का कॉन्सेंट्रेशन कम है वहां पे डेंसिटी कम हो गई, जहां पे हम लोग का एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर कम है वहां पे डेंसिटी ज्यादा हो गई, और जहां पे टेम्परेचर ज्यादा है वहां पे डेंसिटी कम हो गई। मतलब एटमॉस्फेयर में हमारा डेंसिटी बार बार चेंज होते रहता है। अगर ये डेंसिटी चेंज होते रहता है तो कंटिन्यूअसली लाइट क्या होता है, बेंड होते रहता है। अभी अगर कंटिन्यूअसली लाइट बेंड हो रहा है, मतलब कंटिन्यूअस बेंड होते होते zigzag मैनर में आ रहा है। सो फॉर एग्जांपल, कभी अगर डेंसिटी ज्यादा है या कम है, मतलब एक पॉइंट पे हम लोग के पास ज्यादा लाइट आता है स्टार से, अगर उसमें डेंसिटी चेंज हो गया तो एक पॉइंट पे लाइट और ज्यादा बेंड हो जाता है और कम लाइट आता है, फिर वापस डेंसिटी चेंज हो गया तो ज्यादा लाइट आ गया, फिर चेंज हो गया फिर कम लाइट आया, ऐसे लाइट ज्यादा कम होते रहता है, जिसकी वजह से स्टार हम लोग को ट्विंकल होते हुए दिखते हैं। दैट इज द रीजन वी ऑलवेज से ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। नाउ वन क्वेश्चन विल अराइज इन योर माइंड कि अगर स्टार ट्विंकल होता है तो प्लैनेट ट्विंकल क्यों नहीं होते, या दूसरा मून जैसे एक सैटेलाइट है जो अर्थ का, वो ट्विंकल क्यों नहीं होता है। नाउ द आंसर टू दिस इज, द फर्स्ट थिंग इज, स्टार इज फार मच अवे फ्रॉम अस एंड मून इज फार मच क्लोज टू अस, मतलब स्टार को अगर हम लोग देखेंगे इट विल लुक लाइक अ पॉइंट सोर्स, वेयर एज मून का साइज थोड़ा बड़ा दिखेगा हमें। अभी इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे तो मून को अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, इट इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पॉइंट्स, या दूसरे कोई भी प्लैनेट को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, इट इज मेड अप ऑफ एन नंबर ऑफ पॉइंट्स, मतलब स्टार एक ही सिंगल पॉइंट सोर्स है और दूसरे प्लैनेट्स क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एन नंबर ऑफ पॉइंट। अभी इसमें भी क्या होता है, लाइट का वेरिएशन होता है, बट इतने ज्यादा पॉइंट सोर्स है तो ऑन एन एवरेज हम लोग को एक सिंगल लाइट ही दिखता है। अगर हम लोग जूम आउट करके देखेंगे सो व्हाट वी सी इज लाइक, हम लोग का इसमें भी एक एक सिंगल पॉइंट कम ज्यादा होता है, बट जो टोटल लाइट एट द एंड रिजल्टेंट लाइट जो आता है, इट इज द एवरेज ऑफ द टोटल लाइट, तो हम लोग को कभी भी ये ट्विंकल होते हुए नहीं दिखता। वेयर एज स्टार इज अ पॉइंट सोर्स, मतलब वो एक ही पॉइंट सोर्स है, उसमें कम ज्यादा होता है, दैट इज द रीजन स्टार हम लोग को ट्विंकल होते हुए दिखता है। सो दिस बिकम्स द एग्जैक्ट रीजन फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार।